भैया के जाते ही तो मेरे दिमाग शुरू हो गए। बुलाऊं क्या भैया को कॉल करके वापस? बुला लो, मैं क्या डरता हूँ किसी से। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, गर्लफ्रेंड हो तो मेरी, किसी से डरता नहीं हूँ मैं। संदीप जैसे ही वापस आएगा उसे हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? और अब तो तुम दोनों के बीच की गलत फहमियां भी दूर हो गई हैं, राइट? हेलो मिशाइशा, हमें एक बॉडी मिली है जिसके साथ आपके भाई का आईडी कार्ड मिला है। आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए शिनाख्त के लिए। क्या हुआ आयशा? What happened? पुलिस स्टेशन से कॉल था, उन्होंने कहा है उन्हें एक डेड बॉडी मिली है जिसमें भैया का ही कार्ड है। What? आयशा जी संभालिए अपने आप को। इनको कोई क्यों मारेगा? भैया की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कोई ने लूटने के मकसद से इनका खून कर दे। इनकी लाश हमें एक क्लिफ के नीचे से मिली है जहां से कूद के पहले भी कई लोग अपनी जान दे चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भाई को कोई ऐसी टेंशन या फिर कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आपके भाई ने सुसाइड कमिट किया हो? नहीं सर, ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, थोड़ी बहुत पैसों की कमी थी, पर अब तो उन्हें काम भी मिल गया था, उसी के लिए तो जा रहे थे वो बैंगलोर। वो क्यों करेंगे सुसाइड? हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा कि ये एक मर्डर है या सुसाइड। आप प्लीज तब तक पेशेंस रखें। एक बहन अपने भाई का इंतजार कर रही, भाई नहीं आया, भाई के मौत की खबर आ गई। भाई को बैंगलोर जाना था पर उसकी लाश मुंबई के एक सुनसान इलाके में मिली। नमस्कार, सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं गौरव चोपड़ा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। 2 करोड़ की आबादी वाला मुंबई का ये महानगर एक भागती हुई भीड़, हर कोई किसी ना किसी रेस में दौड़ रहा है। कोई वक्त से रेस लगा रहा है, कोई अपने साथी के साथ, और मेहनत करती हुई भागती हुई इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना कोई मेहनत किए रातों रात अमीर हो जाने का सपना देखते हैं। शॉर्टकट के इसी रास्ते पर जुर्म जन्म लेता है और बनाता है इस शहर को असुरक्षित। ये मुंबई हमारा शहर है, हमारा घर है, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हम सब मुंबईकर मिलकर इस शहर को क्राइम फ्री बना देंगे। एक लड़का अपने घर से काम करने के लिए निकला पर लौटा नहीं, बदले में आई उसकी मौत की खबर। हैरानी की बात यह कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना ही उसके पास कुछ ऐसा कीमती था जिसे लूटने के लिए उसकी हत्या की जाए। तो फिर आखिर क्यों घटा ये अपराध? आइए देखते हैं मुंबई की ये कैसी वारदात जिससे ये साबित होता है कि जब इंसान की नीयत बिगड़ जाती है तो वो किसी भी हद तक गिर जाता है। फिर लेट हो गया यार ऑडिशन के लिए। संदीप रख ले। नहीं यार, ऑलरेडी तेरा मुझ पे बहुत उदार है यार, अभी तक 2 महीने का रेंट नहीं दिया मैंने, तू मुझे और शर्मिंदा मत कर प्लीज। तू मुझसे शर्माएगा? जब तेरे पास होंगे तो मुझे लौटा देना, ओके? थैंक यू यार, मैं जल्द से लौटा दूंगा यार तेरे को, बस मेरा आज का ऑडिशन अच्छा हो जाए। और हाँ यार, तू 20 रुपये ट्रांसफर कर दे यार अकाउंट में। 20 रुपये? हाँ यार, वो एक्चुअली अकाउंट में 80 रुपये पड़े ना, तो 20 रुपये डाल देगा तो 100 रुपये निकल आएंगे यार।
ठीक है, कर दूंगा। थैंक यू भाई। अच्छा सुन, कल आयशा का बर्थडे है, ओके? भूल मत जाना तुम, ठीक है? एक अच्छी सी सरप्राइज पार्टी प्लान करेंगे हम शाम को। मैं जल्दी आ रहा हूँ ऑफिस से। चलो, आई एम ऑफ। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑडिशन। बाय। लाइंस हो गई तुम्हारी? हो गए सर। चलो रोल करो। तुम क्या कर रही हो? काट काट काट, नहीं होगा, वापस करो एक बार। तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें काट करो यार, ये क्या कर रहे हो तुम? सब एक मौका दीजिए सर। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन, लीव नाउ। हाँ आयशा, तुम्हें पता है आज इतना काम था ऑफिस में, पर मैंने somehow मैनेज कर लिया। फटाफट निकला हूँ मैं आज। होपफुली तुमने कल की मीटिंग्स भी आज ही कर ली होंगी। अच्छा सुनो, कल शाम को मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कम फॉर योर बर्थडे शाम को। आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, तो तुम करो अपनी मीटिंग अटेंड कर, और फिर कल से मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे 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 आयशा, मैं तो सिर्फ मस्ती कर रहा था यार। I swear, I was just joking. भला तुम्हारा बर्थडे हो और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा जी, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मजाक कर सकते हो? मुझे पता था, इसलिए तुम्हारी टांग खींच रही थी। अच्छा संदीप भैया कैसे हैं? वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं, ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। Now, don't worry about him, okay? आज ही जाके मैं उनसे बात करता हूँ हमारे बारे में। I promise. अरे नहीं नहीं, तुम कुछ मत बोलना, मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगी। और जब तक तुम घर पहुंचोगे तब तक मैं भी तुम्हारे घर पहुंचा। ग्रेट, मैं अभी भी फटाफट आ रहा हूँ, उड़ के आ रहा हूँ मैं। ओके बाय 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 बाय। तुम बहुत ही अच्छे एक्टर हो मेरी जान। संदीप प्यार मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं। दोस्त, मैं निकलता हूँ, कल मिलते हैं। सो यार। सुबह खाना खाने के पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, और अब शाम को दारू पे उड़ा रहा है। सुबह की तो बात ही मत कर यार, बहुत ही बुरा ऑडिशन रहा। एक लाइन ही नहीं बोल पाया मैं यार, इसीलिए बुलाने के लिए पी रहा हूँ यार उसे। तो क्यों इस सब पे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और वो भी ब्रह्मा जैसे लोगों के साथ? जो भी मैं कह रहा हूँ तेरे भले के लिए कह रहा हूँ संदीप। देख यार रोहित, तूने बहुत हेल्प किया मेरे लिए, पैसे से भी ऐसे भी। इसका मतलब ये नहीं तेरे मन में जो आएगा तू वो बोलता चला जाएगा। मैं जो भी कह रहा हूँ तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। इस ग्लैमर व्लैमर का चक्कर छोड़ दे यार, कुछ नहीं रखा है इसमें। तू एक अच्छी सी नौकरी पकड़, अ नाइस फिक्स्ड सैलरी जॉब। मैं अपनी कंपनी में तेरे लिए बात चलाऊं, मान ले यार, मान ले। भैया रोहन ठीक ही तो कह रहा है, वैसे भी ये कंपनी में मैनेजर है तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। आपको बहुत टाइम हो गया स्ट्रगल करते हुए, आपको जॉब कर लेना चाहिए। आप तू तो ना तू चुप रह, आज जो इस मेरी हालत का जिम्मेदार है ना वो तू है, सिर्फ तू। इसकी क्या गलती है संदीप? इसके चक्कर में मेरे माँ बाप मुझे पैसे नहीं देते, नहीं देते मुझे पैसे। उनको तो अपनी बेटी को मुंबई भेज के इंजीनियर बनाना है ना। बनाओ बनाओ इसे इंजीनियर। मेरा गुस्सा इस पे क्यों उतार रहा है तू? क्या करूं क्या करूं फिर? इसके आने से पहले जिस तरीके से मैं कॉन्फिडेंटली ऑडिशन दे सकता था अब नहीं होता। 24 घंटे मन में
एक ही बात रहती है, कल का गुजारा मैं कैसे करूंगा। सिर्फ इसकी वजह से, इसकी वजह से। संदीप तुमने बहुत पी ली है, आराम कर ले, कल बात करेंगे। क्या बात करनी है कल? तेरे पैसे ना दे दूंगा तुझे वापस। ब्रह्मा यार उसके पैसे लौटाने हैं रोहन के, कुछ तो करना है यार, एक मौका चाहिए बस अपने आप को प्रूफ करने का। देख कुछ तो करूंगा साला। एक आदमी है मुकेश, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, साला अपनी फिल्म के लिए एक नए लड़के की तलाश कर रहा है लीड के लिए, और तू तो एकदम फिट है उस रोल के लिए दोस्त। तू बात कर, मैं नंबर देता हूँ ना। नंबर दे। क्या पता किस्मत पलट जाए तेरी, साथ में मेरी भी यार। दे ना नंबर दे। 9833। तो फिर है यार। आयशा तुम अंदर आओ ना। क्या हुआ तुम, इतने परेशान क्यों? वो संदीप कल रात से घर वापस नहीं आया, पता नहीं कहाँ चले गया है वो, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है वो। हाँ भैया मेरा भी फोन नहीं उठा रहे, मैंने कब से ट्राई कर रही हूँ। ब्रह्मा के घर जाके देखते हैं, शायद वहाँ होगा। संदीप कहाँ है? कल रात से घर वापस नहीं आया वो। अरे वो तो आज सुबह ही चला गया यहाँ से। कुछ कह के गया है? कहाँ जा रहा है? मैंने उसको एक प्रोड्यूसर का नंबर दिया, उसी से मिलने गया होगा। तुम इस रोल को पाने के लिए क्या कर सकते हो? एक बार आप मुझे मौका देके देखिए सर, ये रोल मुझे परफेक्ट सूट करता है सर, आई एम श्योर यू विल सी इट सर। वो तो ठीक है, और क्या कर सकते हो? सर मैं इस रोल को पाने के लिए सर आई कैन गिव माय 100% टू इट सर। तुम समझ नहीं रहे हो, पैसे कितने दे सकते हो? मैं कुछ समझा नहीं सर। देखो 4 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा, बदले में लीड रोल तुम्हारा। वैसे और एक्टर्स इससे ज्यादा देने को तैयार हैं, लेकिन इस रोल के लिए तुम फिट लग रहे हो, ये तुमसे कम मांग रहा हूँ। बोलो कितना दे सकते हो? सर इतने पैसे तो मैं कहाँ से लाऊंगा सर? सर बस आप एक बार मौका देके देखिए सर, आई एम श्योर सर, आई प्रॉमिस यू सर, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड सर। सर एक मौका सर। तुम्हारे पास पैसे का इंतजाम हो जाए तो वापस आना, अभी मुझे बहुत काम है, तुम जाओ। सर मुंबई एक माया नगरी है, यहाँ की फिल्मी दुनिया, यहाँ की टीवी इंडस्ट्री ना जाने कितने लोगों को रातों रात स्टार बनने का ख्वाब दे देती है, और फिर ये लोग इस ग्लैमर से चकाचौंध होकर दिन रात स्ट्रगल करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी स्ट्रगल का, उनकी इस ख्वाहिश का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। संदीप भी काफी अरसे से स्ट्रगल कर रहा था, इस दौरान कई बार उसकी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई। संदीप की स्ट्रगल नाकामयाब थी, वो फ्रस्ट्रेटेड था, सब जिम्मेदारियों को भूल गया, खुद की ओर, अपने परिवार की ओर शराब का सहारा लेने लगा। पर आखिर इंसान कब तक सच्चाई को शराब के नशे में डुबो सकता है? आइए देखें संदीप के साथ आगे क्या हुआ। रेडी? क्या हुआ आयशा? भैया नहीं आए अब तक। आ जाएंगे। भैया कहाँ चले गए थे आप? कितना परेशान हो रहे थे हम लोग, आपको फोन भी मिला रहे थे, आपका फोन नहीं मिल रहा था। सॉरी आयशा, वो एक प्रोड्यूसर से मिलने चला गया था। पर भैया कम से कम आप फोन करके विश तो कर सकते थे ना। पगली मैं तेरे गिफ्ट के चक्कर में लेट हो गया था।
बस तुझे सिर्फ यही दे सकता हूँ। भैया चॉकलेट मफिन, इससे स्वीट गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू। ऐशा मुझे माफ कर दे कल की गलती के लिए, अच्छा मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आई अंडरस्टैंड, पर मैं तो हमेशा ही आपका अच्छा चाहती हूँ ना। मैं रोज भगवान से प्रे भी करती हूँ कि आपको आपकी मंजिल जल्द मिल जाए। अगर भाई बहन का इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया हो तो आए केक काटे प्लीज। रोहन यार कल के लिए माफ कर दे यार। सॉरी वॉरी कब से होने लगा हमारे बीच में? इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है एक बार केक की शक्ल तो देख लो। ये भी बेचारा बोल रहा है कि कब कटूंगा मैं। चलो चलो लेट्स गो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Aisha. Hello? I'm sorry sir, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। I'm an actor, not a junior artist. संदीप क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं यार, ये coordinators ने ना मुझे junior artist बना दिया यार। कह रहे हैं एक बेंगलोर में इवेंट है 10 दिन का, 2000 रुपए पर डे मिलेंगे। I don't want to do this यार। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, एटलीस्ट तुझे काम मिला तो है, कर ले यार। यार कम ऑन यार, मैं ये छोटे छोटे काम थोड़ा करने आया हूँ यहाँ पे यार, मैं कुछ बड़ा करने आया हूँ यार, कम ऑन। देख संदीप, ना ही तुझे जॉब करनी है और ना ही तुझे छोटे मोटे रोल करने हैं, मैं कब तक तेरे खर्चे चलाते रहूंगा संदीप? मेरे भी तो खर्चे होते हैं, इस बार ये कर ले, उसके बाद तू वापस आकर ऑडिशन देना चालू कर दे। या भैया रोहन ठीक ही तो कह रहा है, और इसमें नुकसान क्या है? 10 दिन के हिसाब से पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, आप उसे हाँ बोल दो। सोच मत इतना यार, हाँ बोल दे। तुम लोग इतना बोल ही रहे तो I'll do it. देख भाई मैं जानता हूँ तू बहुत बिजी है, लेकिन अगले 10 दिन तक तेरे को आयशा का ख्याल रखना पड़ेगा यार। यार ये भी कोई बोलने की बात हुई? तुम आयशा की टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूँ उसके साथ। ओके थैंक यू यार। पता नहीं यार तेरे बिना मेरा क्या होता है यार, मैं जैसे ही वापस आऊंगा ना तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा, आई प्रॉमिस। यार फिर पैसों की बात कर रहे तो मैंने आज तक तुझसे पैसे मांगे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो उसकी? डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा भैया के जाते ही तुम्हारे डिमांड शुरू हो गए, बुलाऊं क्या भैया को कॉल करके वापस? बुला लो, मैं क्या डरता हूँ किसी से, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, गर्लफ्रेंड हो तो मेरी, किसी से डरता नहीं हूँ मैं। संदीप जैसे ही वापस आएगा उसे हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। ठीक है हेलो मुशायशा, हमें एक बॉडी मिली है जिसके साथ आपके भाई का आईडी कार्ड मिला है, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए शिनाख्त के लिए। क्या हुआ आयशा? व्हाट हैपेंड? पुलिस स्टेशन से कॉल था, उन्होंने कहा उन्हें एक डेड बॉडी मिली है जिसमें भैया का आईडी कार्ड है। व्हाट? आयशा जी संभालिए अपने आप को। इनको कोई क्यों मारेगा? भैया की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कोई भी लूटने के मकसद से इनका खून कर दे। इनकी लाश हमें एक क्लिफ के नीचे से मिली है जहां से कूद के पहले भी कई लोग अपनी जान दे चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भाई को कोई ऐसी टेंशन या फिर कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आपके भाई ने सुसाइड कमिट किया हो? नहीं सर, ऐसी कोई टेंशन नहीं थी।
थोड़ी बहुत पैसों की कमी थी, पर अब तो उन्हें काम भी मिल गया था, उसी के लिए तो जा रहे थे वो बैंगलोर। वो क्यों करेंगे सुसाइड? हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा कि ये एक मर्डर है या सुसाइड। आप प्लीज तब तक पेशेंस रखें। मैं तो यकीन ही नहीं कर सकती कि भैया सुसाइड कर सकते हैं। रोहन, भैया सुसाइड नहीं कर सकते ना। भैया नहीं सुसाइड कर सकते कभी। लो अपने आप को, मैं देखता हूँ। जी आप कौन? जी मैं बैंक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे संदीप से मिलना है, वो यहीं रहते हैं ना? जी क्या काम है आपको उनसे? अगर आप संदीप को बुला देते तो वो खुद ही बता देते कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो है कहाँ वैसे? क्या काम है आपको संदीप से? देखिए संदीप को हमारे बैंक को 5 लाख रुपए लौटाने हैं। 5 लाख रुपए? और मैं उनका फोन ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आउट ऑफ रीच आ रहा है। अब आप लोग बताएंगे कि वो है कहाँ? भाई, भाई आप नहीं रहे। क्या? देखिए सर, संदीप के अकाउंट में गलती से 5 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए, और इससे पहले कि बैंक को एरर का पता चलता उन्होंने वो पैसे विड्रॉ भी कर लिए। जब हमें रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का पता चला तो हमने तुरंत उनको इन्फॉर्म किया कि जल्द से जल्द वो पैसे वापस लौटा दें, और तब से संदीप का कुछ पता नहीं है, और उसका फोन भी आउट ऑफ रीच आ रहा है। सो फाइनली आई हैड नो ऑप्शन। जब हम उनके घर गए तो हमें पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। आपके पास उस ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड हैं? जी हाँ सर, और संदीप के विड्रॉ करते हुए सीसीटीवी के फुटेज भी हैं। वो ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट और सीसीटीवी फुटेज दोनों को जल्द से जल्द सबमिट करवाइए, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिससे ये क्लियर हो गया है कि ये एक मर्डर है। अब तक हमें मोटिव समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया। उन 5 लाख रुपयों के लिए संदीप को किसी ने क्लिफ से धक्का दिया है। सर लेकिन भैया ने जब किसी को बताया ही नहीं पैसों के बारे में, तो किसी को कैसे पता चलेगा उनके पास इतने पैसे थे? मिस्टर रोहन, आपको कभी संदीप ने उन पैसों के बारे में बताया था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, संदीप ने कभी भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। बैंगलोर जाते समय भी उसने कुछ नहीं कहा था। हम सुबह साथ में ही निकले थे, मैं ऑफिस के लिए और संदीप स्टेशन के लिए, और जब मैं वापस आया तो मुझे आपसे ये बात पता चली। आप लोगों को और किसी पर शक है जिसे संदीप ने उन पैसों के बारे में बताया हो? हाँ सर, रम्मा, एक नंबर का लफंगा है वो। संदीप का बहुत ही करीबी दोस्त था, हर चीज कहता था संदीप उससे। संदीप ने पैसों की बात जरूर बताई होगी, जरूर उस ब्रह्मा ने उसका खून किया है। आपके पास ब्रह्मा का एड्रेस है? आजकल की टेक्नोलॉजी कमाल है, जिंदगी कितनी आसान हो गई है, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं। आप अपना सारा काम अपने कंप्यूटर से या अपने फोन से कर सकते हैं। पर जैसे जैसे सुविधा बढ़ती है सावधानी भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि काम बहुत आसानी से हो जाता है, लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। टाइप करते हुए एक डिजिट यहाँ का वहां हुआ कि सारा का सारा पैसा किसी और अकाउंट में चला जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ, एक नौजवान जिसके अकाउंट में 500 रुपए भी नहीं थे, 5 लाख रुपए आ गए। जैसे ही बैंक को अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने उसे फोन किया। किसी ना किसी की तो नियत बिगड़ी थी। क्या ये पैसा उसकी मौत बनकर आया था? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चल बता, संदीप को मारने के बाद तूने पैसे कहाँ छिपाए? क्या संदीप मर गया? सच सच बता, क्यों मारा उसे? मैं क्यों मारूंगा संदीप को? अरे वो मेरा दोस्त था। और कौन से पैसे? उसके खुद के पास कोई पैसे थे ही नहीं जिसे मैं छुपाऊं। सर बेटा, 5 लाख रुपए थे उसके पास बैंक के, और उसने तुझे नहीं बताया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सीधी तरह बता दे कि पैसे कहाँ है, वरना पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो तू ऐसे भी सब उगल देगा। सर कुछ दिन पहले मुझे फोन आया। हेलो भाई, तेरा वो प्रोड्यूसर तो 4 लाख रुपए मांग रहा है, मैं कहाँ से दूंगा इतने पैसे यार? अब देख यार,
इंडस्ट्री तो ऐसे ही काम करती है, अभी तो कुछ मिलेगा ना यार। यार देने को तो मैं आज दे दूं पैसे उसको, बट होने भी तो चाहिए यार। तेरे को पता है वो रोल मुझ पे परफेक्ट सूट करता है यार, मेरा पूरा करियर बना सकता है। साला काश कहीं से पैसे आ जाए और मैं उसके मुंह पे मारूं और वो रोल ले लूं। अगर उसके पास पैसे थे तो पक्का मुकेश के पास गया होगा पैसे लेकर। मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने संदीप के साथ कुछ किया होगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ क्या करता, मैं तो कब का फरार हो गया होता सर। मुकेश का एड्रेस है तेरे पास? हाँ सर। बेटा 4 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा, बदले में लीड रोल तुम्हारा। वैसे और एक्टर तो मुझे इससे भी ज्यादा देने को तैयार है, पर तुम इस रोल के लिए एकदम फिट लग रहे हो, इसलिए तो कम कर रहा हूँ। सर मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे सर? सर 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 मैं तो स्ट्रगलर हूँ सर। सर ये आदमी मुझसे पैसे मांग रहा था रोल देने के लिए। किस बात के पैसे? सर रोल देने के लिए सर पैसे। चल तू बैठ। भागता किधर है? तो तू है असली फ्रॉड, लोगों को रोल का लालच देके उनसे पैसे ऐंठता है। चल मेरे साथ अभी थाने, तेरी सारी प्रोड्यूसर गिरी मैं निकालता हूँ। चल। तू फ्रॉड तो है ही, साथ में मर्डरर भी। इसमें सर मैं मानता हूँ कि इन लोगों से पैसे लेकर उन्हें रोल का झूठा वायदा करता हूँ, लेकिन सर मैं खूनी नहीं हूँ। अच्छा ये बता कि संदीप तेरे पास कभी आया था पैसे लेकर रोल पाने के लिए? सर कौन संदीप, मेरे पास कितने स्ट्रगलर आते हैं, मैं कैसे बताऊंगा संदीप कौन है सर? देख ये इसके पास तो कोई पैसे ही नहीं थे, ये मुझे क्या पैसे देगा सर? 5 लाख रुपए थे इसके पास जो इसे बैंक को लौटाने थे, और हमें पूरा शक है कि तूने ही कुछ किया होगा इसके साथ, और वो पैसे तूने कहीं छिपा दिए। मुझे इससे क्या फायदा होगा सर? ये अगर पैसे लेकर आया होता तो मैं उसको कोई अच्छा रोल दे देता। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा भरोसा कीजिए सर, मैंने खून नहीं किया सर। पापा आप अपना और मम्मा का ख्याल रखिएगा, बाय। आयशा प्लीज संभालो अपने आप को, प्लीज। जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता है ना? पुलिस अपना काम कर रही है आयशा, पुलिस बहुत ही जल्द कल्प्रिट को ढूंढकर उसे सजा दिलाएगी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अंकल आंटी को संदीप के बारे में बताया क्यों नहीं है अभी तक? क्या बताओ उन्हें रोहन, कि उनका बेटा 5 लाख रुपए लेके भाग रहा था और मारा गया। लेकिन मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ने हमें पैसों की बात कभी बताई क्यों नहीं। इतनी बड़ी बात वो मुझसे कभी नहीं छुपाते, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया कभी पैसे के बारे में। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उसके पास पैसे थे तो वो भला बैंगलोर क्यों जा रहा था काम करने? मैं भी यही सोच रही हूँ तब से, कहीं भैया असली में तो बॉम्बे से नहीं भाग रहे थे पैसे लेके। नहीं भैया ऐसा नहीं कर सकते, पर क्या हुआ होगा उनके साथ? जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ आयशा, प्लीज टेक केयर। सर मुकेश ने कुछ बताया आपको? उसी ने मारा ना मेरे भाई को? देखिए आयशा जी, वो एक फ्रॉड है जो लोगों से रोल देने का झूठा वादा करके पैसे ऐंठता है। बहुत लोगों को उल्लू बना चुका है वो पहले भी, लेकिन अगर उसे संदीप से पैसे मिल गए थे तो उसने उसे मारा क्यों? असली गुनहगार कोई और ही है। सर सर ये है संदीप का कॉल रिकॉर्ड, बैंक का कॉल रिसीव करने के बाद उसने रोहन को फोन किया है। संदीप को जब बैंक के एरर का पता चला उसके तुरंत बाद उसने आपको कॉल किया, ये बात आपने हमें क्यों नहीं बताई? वो एक्चुअली संदीप के डेथ के शॉक के कारण मेरे ध्यान से ही निकल गया था, मैं ये नहीं जानता था कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। संदीप ने आपको कॉल क्यों किया था? सर संदीप ने कॉल करके मुझे इतना ही कहा था कि मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और अगले 10 दिनों के लिए मैं आयशा का ध्यान अच्छे से रखूँ। पैसों के बारे में संदीप ने आपसे कुछ नहीं कहा? पैसों के बारे में तो कुछ मेंशन नहीं किया था उसने। सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भैया ने किसी को बताया क्यों नहीं पैसों के बारे में। आयशा जी आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके भाई के कातिल को पकड़ने की, ये जरूर किसी
बाहरी आदमी का काम है। आप प्लीज तब तक धीरज रखिए। थैंक यू सर। भैया ने रोहन को मिलने के लिए बुलाया था भी उस वक्त जब उनकी ट्रेन थी, लेकिन रोहन ने तो कहा था वो भैया से सुबह ऑफिस जाने के बाद मिला ही नहीं। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग रोहन। आई विश कि मैं भैया से मिलने उस दिन स्टेशन चली जाती। काश वो मुझे एक मैसेज ही कर देते तो मैं दौड़ के उनसे मिलने चली जाती। कम से कम ये अनुज खबर तो सुनने को नहीं मिलती। I also wish the same, Aisha. In fact, मैं उसे स्टेशन छोड़ना जाना चाहता था, लेकिन ऑफिस में काम की वजह से नहीं जा पाया। काश मैं भी गया होता, शायद ये ना हुआ होता। लेकिन अब तुम इसके बारे में सोचना बंद करो, okay? Just relax for now. I'll also get ready for college. एक सेकंड, तुम कहाँ जा रही हो? तुम कॉलेज नहीं जा रही। यू नीड टू रेस्ट। बस बस, यू नीड सम रेस्ट। ओके, इनफैक्ट मैं तैयार हो रहा हूँ क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। क्या कर रहे थे तुम? वो एक्चुअली कंप्यूटर खराब हो गया था तो बस फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। एनीवेज बैठो ना तुम। अच्छा, आज मैडम जी खुद ऑफिस बता रहे हैं, जरूर कोई स्पेशल होगा। सब ठीक तो है? रोहन, मुझे एक्चुअली तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। थोड़ा एम्बैरेसिंग है कि ऑलरेडी भैया ने तुमसे बहुत फाइनेंशियल हेल्प ली है, तो इतनी फॉर्मल क्यों हो रही मेरे साथ? बोलो क्या चाहिए। रोहन, वो घर पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मॉम डैड पैसे नहीं भेज पाएंगे इस महीने, पर मुझे आज ही पीजी का रेंट देना है कैसे भी करके। मुझे थोड़े से बोरो करने थे पैसे तुमसे, जैसे ही आएंगे मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। अच्छा, बस इतनी सी बात? हाउ मच डू यू नीड? कितना चाहिए तुम्हें? 10,000. ओके, देयर यू गो। थैंक यू। अब अगली बार से नो फॉर्मेलिटीज, परफेक्ट? अब बताओ क्या लो, टी और कॉफी? कॉफी वुड बी ग्रेट। ओके, सब लंच करने गए हैं।
मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए खुद एक बहुत बढ़िया कॉफी बना के लाता हूँ, ओके? स्पेशल कॉफी मेरी आयशा के लिए। व्हाट इज ऑल दिस? क्या मतलब है सबका? ये लिस्ट उन पैसों के सीरियल नंबर की है जो भैया ने बैंक से विड्रॉ किए थे, और जो पैसे तुमने मुझे अभी दिए ना के सीरियल नंबर मैच होते हैं। क्या बोल रही हो तुम? शक तो मुझे तुम पे तब भी हो गया था जब तुमने पुलिस से फोन की बात छुपाई, और गलती से एक दिन मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेजेस चेक किए तो उसमें भैया का मैसेज था। उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था उसी दिन जिस दिन उनका मर्डर हुआ था। व्हाट्सएप मैसेज? देयर इज नो सच मैसेज। यू कैन चेक माय फोन इफ यू वांट। पता है मुझे नहीं है अब, क्योंकि जब मैंने वापस स्क्रीनशॉट लेने के लिए वो मैसेज देखा, वो मैसेज डिलीट कर दिया था तुमने। इसलिए मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, इसलिए उन्होंने ही मुझे लिस्ट दी ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि पैसे तुमने ही चुराए और मेरे भाई का मर्डर भी तुमने ही किया है। तलाशी लो, चल बता पैसे कहाँ हैं? सीपीयू में। सीपीयू चेक करो। You are under arrest. ले चलो इसे। संदीप बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। भाई जैसा था वो मेरे लिए, हर चीज बताता था वो। एक रात जब हम सो रहे थे उसके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया, उसमें लिखा था कि उसके बैंक में 5,00,000 रुपए डिपॉजिट हो गए। फिर अगले दिन उसने खुद मुझे ये बात बताई और इसी मौके का मैंने फायदा उठाया। मैं तुझे एक बात बताना भूल गया, पैसे एक्चुअली मेरे ही हैं, मेरे अंकल ने लखनऊ से ट्रांसफर किए थे, क्योंकि मेरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स की प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने अपने अंकल से कहा था कि वो तुम्हारे अकाउंट में डाल दें। तू श्योर है ना यार? हाँ यार, 100%। तू सच बोल रहा है ना यार? हाँ यार। देख तू टेंशन बिल्कुल मत ले, एक काम कर, अपने बैंक अकाउंट से तू पैसे विड्रॉ करके मुझे दे दे, बाकी सब टैक्सेस वैक्सेस मैं संभालूंगा, ओके? यार देख मैंने अभी ना 15,000 रुपए निकाले हैं, बाकी मैं तेरे को निकाल के देता हूँ, अभी तू वो ले ले यार। कोई बात, जब वो गया था ना बाहर, वो एटीएम ही चेक करने गया था कि उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। उसने बैंक से पैसे निकाल कर अगले दिन मुझे दे दिए थे। मैं हमेशा उन पैसों को अपने साथ ही रखता, जहां भी ट्रैवल करता था उन्हें साथ में लेके जाता था मैं। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं उन पैसों को अपने कंप्यूटर के सीपीयू में सेफली रख सकूं। लेकिन बैंगलोर जाने के दिन संदीप को बैंक वालों का फोन आ गया। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू गलती से आपके अकाउंट में 5,00,000 रुपए आ गए, जो आपने विड्रॉ भी करवा लिए। इट वुड बी ग्रेट अगर आप बैंक को वो पैसे वापस लौटा दें। और बैंक वालों ने उसे एक गलत ट्रांजैक्शन के बारे में बताया। जरूर बैंक वालों से कोई गलती हो गई होगी। वो पैसे मेरे ही हैं। और मैंने उसे कहा कि मैं उसे स्टेशन में ले आ रहा हूँ। मैं स्टेशन पहुंचा, वहां से मैं उसे एक ऐसी सुनसान जगह पे ले गया जहाँ की क्लिप से कई लोगों ने कूद कर अपनी जान दे दी है। मैंने भी उसे वही क्लिप से धक्का दिया था सर, ताकि लोगों को लगे कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन मेरी यही गलती मुझे भारी पड़ गई। वो मैसेज मैंने गलत टाइम पर डिलीट कर दिया सर। रोहन को संदीप की हत्या और बैंक को गुमराह करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 और 120B के तहत सजा सुनाई गई। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान अचानक ही क्रिमिनल बन जाता है।
उसके अंदर वो टेंडेंसी हमेशा से होती है, और एक बार ये क्रिमिनल बाहर आ गया तो फिर वो रुकता नहीं, अपने अगले मौके की तलाश में रहता है। हमें ऐसे इंसानों से बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आयशा ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर रोहन को पकड़वाया और ना जाने कितने ही ऐसे लोगों को ऐसे अपराध का शिकार होने से बचाया। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पुलिस को बताएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारी आंखों के सामने कोई अपराध हो रहा हो तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ें, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारी सुरक्षा है, और अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और दोस्तों, बहुत देर हो गई, अभी नहीं तो कभी नहीं।